अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी जगह पर। अल्लाह ताला आप लोगों को फैमिली के साथ खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं पालक और कीमा। देखिए, मैंने कीमा ले लिया है हाफ के जी, मैंने एक मशीन से निकलवाया, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करा, इस तरीके से मोटा मोटा करवा लिया मैंने। और एक गड्ढी मैंने पालक के ले लिए, जो मैंने अच्छे से धो वॉश कर ली है, काट के अच्छे से वॉश किए, तीन से चार पानी निकाले क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। एक प्याज ले ली मैंने दरमियाने साइज़ की, रफली चॉप कर ली, और तीन से चार हरी मिर्चें होंगी मेरे पास। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया 3-2 चम्मच फ्रेश, और ये मैंने टमाटर ले लिए 2, और ये मेरे पास है एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग हो गए, 3 तेज़पत्ते 2 हो गए, और साबुत धनिया हो गया मोटा मोटा कूट लिया, ज़ीरा पाउडर हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया मेरे पास, लाल मिर्च का पाउडर ले लिया, गरम मसाला पाउडर ले लिया मैंने, और 3 से 4 हरी मिर्च ले रही हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे जी, इनफ होगा तेल हमारे लिए। तेल हमारा गरम हो जाता है जब तक। चलिए अब गरम हो गया, अब हम मसाले ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है बड़ी इलायची की, और आपके तेज़पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी आती है। 5 रुपये गोश्त भी वही बनाए आप। चलिए प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना पन्हा बनाते हुए हम बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह तो सब पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जब बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें, रहमतें और सेहत अदा फरमाता है। फिर थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, उसके बाद उसमें वॉश ऐड करेंगे, कीमा ऐड करेंगे अपना। आलू कीमा पालक बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको भी। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें कीमा ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्योंकि कीमा पानी कीमा बना रही हूँ तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं वो करवाया, सिर्फ एक ही इसमें करवा के मैंने बस हल्का सा वो करवाया है, चॉप ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मोटा मोटा रखना था। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेवर चली गई है, और अब मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी थी, तो यकीनन अब मुझे इसी में ही, ये देखिए मैंने अदरक लहसुन अभी अच्छे से भूनूंगी, अदरक लहसुन कच्चापन भी हम निकालेंगे, और हम अपने कीमे को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम नमक सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक हम कम ऐड करेंगे क्योंकि पालक में वैसे ही नमक होता है, तो हम बिल्कुल नमक कम ऐड करेंगे। अच्छे से मैं इसको भूनूंगी नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। चलिए मसाले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छे से साफ कर दिया जाए, तो सब भून मसाले को सब मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारी लाइट चली गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि लाइट हमारी आ गई है, वरना मैं कहती कि रेसिपी की मैंने स्टार्ट कर ली थी, लाइट चली गई थी, लेकिन मुझे रेसिपी को पूरा करना था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि लाइट आ गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को हम इसके अंदर अच्छे से थोड़ा सा गलाएंगे, और साथ में हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च फायदेमंद होती हैं, और लाल मिर्च में सिर्फ बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। क्या करें कि आप लोग हरी मिर्च लाल मिर्च को अवॉइड किया करें, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। चलिए अब हम इसको कैप लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टमाटर डल चुके हैं बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी इसमें, उसके बाद हम पालक ऐड कर देंगे। हम इसमें पालक ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल मैं इसे कैप कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो ये आसानी से चलेगी। इसके हल्की आंच पे छोड़ते हैं अभी प्लग। माशाल्लाह से पालक हमारी गल चुकी है, थोड़े से पानी है और थोड़ी सी पालक में कसर भी है, इसी के अंदर ये अभी और मज़ीद गल जाएगी पालक और अच्छे से गलेगी, उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। पालक कीमा जो है वो रेडी। चलो दोबारा से कैप कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए ये तपेला में शुरू हो गया, जैसे मास्टर बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हम थोड़ा सा फ्राई कर ले, भून लेते हैं इसको। ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि कीमा है आप देख सकते हैं चकल कितनी खूबसूरत है ये माशाल्लाह से। चलेंगे फाइनल हो गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो चलें इस ओके, बच्चों का घर है ये होता रहता है। चलें जी व्यूअर्स, हमारा आज कीमा और पालक रेडी हो चुका है, आपको यकीनन पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपी। और क्या कहूँ, बस अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।